अगस्त 1973 में यान एरिक ऑल्सन नाम के एक व्यक्ति ने स्टॉकहोम की एक बैंक क्रेडिट बैंकन के 4 कर्मचारियों को बंधक बना लिया। उसने बंधकों को बैंक की तिजोरी में 6 दिनों तक कैद करके रखा था। जब बंधकों को रिहा करा लिया गया और ऑल्सन के खिलाफ मुकदमे में उनकी पेशी की गई तो उनमें से किसी ने भी अदालत में उसके खिलाफ गवाही नहीं दी। यही नहीं, बाद में वे उन्हें मिलने जेल भी जाते रहे। अपहरणकर्ता और अपहृत के बीच के इस विचित्र प्रेम को आगे चलकर स्टॉकहोम सिंड्रोम का नाम दिया गया। नमस्कार, मैं हूं अतुल मिश्रा और मैं लेकर आया हूं भारत के इतिहास की एक ऐसी कहानी जो हम सबको सोचने पर मजबूर करती है, और ये कहानी है भारत के स्टॉकहोम सिंड्रोम की। स्टॉकहोम सिंड्रोम सिर्फ अपहरणकर्ता और अपहृत के बीच ही नहीं बल्कि उत्पीड़क और पीड़ित के बीच भी कभी कभी देखने को मिल जाता है। अब जरा सोचिए, जिन यहूदियों को हिटलर ने बेरहमी से मौत के घाट उतारा था, वो अगर हिटलर के गुण गाने लगे तो कितना अजीब लगेगा ना। लेकिन इसराइल में आपको हिटलर या उसकी नाजी पार्टी का महिमा मंडन करने वाला एक भी स्मारक, एक भी स्तंभ नहीं मिलेगा। वही बात जब भारत की आती है तो विषय थोड़ा पेचीदा हो जाता है। दशकों के धर्म निरपेक्ष सरकारों ने देश को स्टॉकहोम सिंड्रोम का एक गढ़ बना दिया है, जो ना सिर्फ विचित्र है बल्कि दुखद भी है। देश की राजधानी दिल्ली को ही ले लीजिए। यहाँ औरंगजेब से लेकर तुगलक तक सबके नाम से सड़कें बनवाई गई। हालांकि औरंगजेब का नाम बाद में हटा दिया गया, लेकिन इनके सारे वंशज आज भी सेंट्रल दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण सड़कों को घेर कर बैठे। लेकिन स्टॉकहोम सिंड्रोम का सबसे ज्वलंत और शायद सबसे शर्मनाक उदाहरण मिलेगा बिहार में। चलिए आपको लेके चलता हूँ बिहार की यात्रा पर। गंगा नदी के असीम विस्तार के किनारे फैला है बिहार, जिसकी आंखों ने सब देखा है। साम्राज्यों का उत्थान और पतन, विजेताओं का जय घोष, पराजितों का करुण क्रंदन। तब बिहार देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी एक अति महत्वपूर्ण राज्य था। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों के नाम हमारे पुराणों और महाकाव्यों में आते रहते हैं, वो चाहे मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध के लिए हो या मिथिला की सीता माता के लिए। मध्यकाल में बिहार अपने वैभव के चरम शिखर पर था। बंगाल से पंजाब तक फैले नंद वंश के साम्राज्य का केंद्र बिंदु बिहार में ही था, जो मौर्यों के राज में और भी विशाल हो गया। बिहार न सिर्फ वाणिज्य और व्यापार का एक बड़ा केंद्र था बल्कि विश्व में शिक्षा का भी सबसे बड़ा केंद्र था। ये बिहार ही था जहां था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और ये बिहार ही था जहां गर्व से खड़ा था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा संस्कृत शब्द नालम और दा से बना है। संस्कृत में नालम का अर्थ कमल होता है। कमल हिंदू और बौद्ध धर्म में ज्ञान और विद्वता का प्रतीक रहा है। नालम जोड़ दा यानी कमल देने वाली, या कहें तो ज्ञान देने वाली। इस अति महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 413 से 455 ईसा पूर्व में की थी। चीनी यात्री वेन सांग ने अपने यात्रा वर्णनों में नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के प्रमुख शिक्षा संस्थान के रूप में बताया था। वेन सांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कुल 8500 छात्र एवं 1510 अध्यापक थे। नालंदा विश्वविद्यालय में एक अति विशाल पुस्तकालय था जिसका नाम था धर्मगंज। इस विश्वविद्यालय में 3 मंजिलें थी जिनके नाम क्रमशः रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक थे। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। यहाँ धर्म ही नहीं, राजनीति, इतिहास, ज्योतिष, भूगोल, विज्ञान आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। जहाँ एक ओर हिंदू धर्म के वेदों और चिकित्सा सूत्र का अध्ययन होता था, वहीं बौद्ध त्रिपिटक के तीनों विभाग यानी कि विनय, सूत्र और अभिधम्म की शिक्षा भी होती थी। जैसे आज किसी आईवी लीग स्कूल में जाने के लिए कठिन परीक्षा देनी होती है, वैसी ही परीक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए भी होती थी, और विश्व के सबसे मेधावी छात्र ही यहाँ पढ़ पाते थे। और एक दिन सब कुछ खत्म हो गया, ज्ञान का ये गढ़ खंडहर बन गया। और ये सब किया मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी नाम के एक क्रूर आतताई ने। बख्तियार खिलजी एक धर्मांध और सनकी आदमी था, जो बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना में सेनापति बना।
नाटे कद का और अजीब से डील डॉल वाला खिलजी सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा था। दिल्ली के दरबार में उसकी कोई पहचान नहीं थी। ऐबक की सेना में उसे शामिल करने से मना कर दिया गया था, लेकिन बिहार में उसके द्वारा बहाई गई खून की नदियों के बाद उसका सम्मान बहुत बढ़ गया था। ये जानकर कि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां हिंदू धर्म से जुड़े अनेकों विषयों की पढ़ाई भी होती है, बख्तियार खिलजी और उसके आक्रांताओं की सेना ने शिक्षा और धर्म के इस महान केंद्र को तहस नहस कर दिया। यहाँ के शिक्षकों को मौत के घाट उतार दिया गया और जो बचे वो तिब्बत की ओर पलायन कर गए। खिलजी ने यहाँ के पुस्तकालय में आग लगा दी। ऐसा कहा जाता है कि जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया तो उसका पुस्तकालय भवन 3 महीने तक जलता रहा। नालंदा के विनाश की विस्तृत जानकारी मिन्हाज उस सिराज द्वारा लिखित तबकात नासरी में वर्णित है। पुस्तकें जलाना और शिक्षकों को मारना आतंकवादियों की विरासत रही है। आज भी हमें ऐसी घटनाएं सुनने को मिली जाती है। आज भी जब आइसिस जिस भी शहर पर कब्जा करता है वहां की दुर्लभ पांडुलिपियां और पुस्तकों को जला देता है। कुछ साल पहले ही इराक के मोसुल के एक सार्वजनिक पुस्तकालय को आइसिस ने बम से उड़ा दिया था, जिससे 8,000 से ज्यादा पुस्तकें जलकर राख हो गई। अब आते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम पर। सोचिए, जिस आक्रांता ने शिक्षा और धर्म के इस महान केंद्र को जलाकर भस्म कर दिया, हमने उसके साथ क्या किया? हमने दिया उसे एक अमूल्य उपहार। आज बिहार में बख्तियार खिलजी के सम्मान में एक पूरा शहर बसा है, जिसे हम बख्तियारपुर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, बात हैरान करने वाली है, लेकिन है शत प्रतिशत सत्य। बख्तियारपुर बिहार की राजधानी पटना के अंतर्गत ही आता है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का जन्म बख्तियारपुर में ही हुआ था। बख्तियारपुर दानापुर रेलवे जोन का एक अति महत्वपूर्ण स्टेशन भी है। नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेषों से यह शहर मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है, और अगर आप रेल मार्ग से नालंदा विश्वविद्यालय जाना चाहते हैं तो आपको बख्तियारपुर से होकर ही जाना पड़ेगा। स्टॉकहोम सिंड्रोम का इससे शर्मनाक उदाहरण शायद ही आपको विश्व में कहीं भी मिलेगा। दशकों के तथाकथित सेक्युलर सरकारों ने और वामपंथी इतिहासकारों ने हमारी आंखों के आगे एक पट्टी सी लगा दी है, जिससे हमें सत्य या तो दिखता ही नहीं है या फिर उसका कोई दूसरा ही स्वरूप दिखता है। तो ये तो थी कहानी नालंदा विश्वविद्यालय के बनने और उजड़ने की, कहानी एक आक्रांता और उसकी धर्मांधता की, और कहानी स्टॉकहोम सिंड्रोम की। ऐसी ही कहानियाँ लेकर मैं आता रहूँगा आपके बीच अनटोल्ड हिस्ट्री के आगे के एपिसोड्स में।